डियर एसपेरेंट ईएमसी की सवाल है पिछले सवाल की कंटिन्यूशन है अब सोलह से हम जो है सवाल शुरू करेंगे कंसिडर दॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन बिलो आ करेक्ट तीन स्टेटमेंट है हमें बताना है सही है तीनों या गलत है या नन ऑफ दिस बोल्ड हैज डिफेंडेड हंड्रेड मीटर टू हंड्रेड मीटर फोर हंड्रेड मीटर गोल्ड इन बेजिंग एंड अ लंडन ओलम्पिक्स अगला है स्टेटमेंट माइकल पेप्स इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग तीसरा स्टेटमेंट है पेल्पस होल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर विनिंग मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स ऑप्शन ए बी सी डी देखिए डी ऑप्शन है इसका सही आंसर है तीनों स्टेटमेंट सही है अगले क्वेश्चन पे हैं 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 किस गेम में Bullseye कहते या उस टर्म का इस्तेमाल करते बॉक्सिंग और इस टर्म का हम देख सकते हैं शूटिंग में इस्तेमाल होता है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बुल्ज आई कहते हैं ठीक है अगला सवाल है हाउ फार डिड इंडियन टीम रीच इन दी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट टू थाउजेंड फाइव इन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका ऑप्शन है क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल राउंड डी फाइनल्स और इसका सही आंसर है डी फाइनल्स तक पहुंची है टू थाउजेंड फाइव में अगला सवाल है हु एमोंग दी फॉलोइंग टेनिस प्लेयर हैज ऑन दी शंघाई मास्टर टाइटल ये टेनिस के बारे में बात हो रही है गर्ल्स साइमन रफल नाडल एंडी मुरे रॉजर फेडर और इन चारों में से किताब जीता है और डी रॉजर फेडर इन्होंने अपना नाम किया है और अगला सवाल है देखिए चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड डायलिट ऑप्शन ए स्पिन बी वीकिन सी वाइडन डी पुश और इसका सही आंसर है डी सी यानी चौड़ा करके देखना ये चौड़ा होने के लिए बोलते हैं उस चीज को